चले जी, अब हम पढ़ लेते हैं मोनोमॉर्फिक एडिनोमा। यहाँ पे भी हमें एडिनोमा से समझ आ रहा है कि ओमा सफिक्स हमारे पास बिनाइन ट्यूमर आ गया, और एडिनोमा का मतलब क्या है कि हमारे पास ग्लैंडलाइट सेल्स में जो है ना ये ट्यूमर बना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया बच्चों मोनोमॉर्फिक वर्ड, ठीक है। पीछे हम प्लियोमॉर्फिक वर्ड पढ़ कर आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स के सेल मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड है मोनो, मोनो मीन्स वन, यानी जो हमारे पास ट्यूमरस ग्रोथ होगी इसमें जितने भी सेल होंगे वो हमारे पास सिंगल टाइप के होंगे, यानी एक ही टाइप का सेल मिलके जो है ना ये ग्रोथ बना रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मोनोमॉर्फिक एडिनोमा कहते हैं। और इसके जो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं ना, यानी दो टाइप्स के सेल्स में ये ज़्यादा मिलता है। एक हमारे पास आ जाएगा बेसल सेल, ठीक है, और एक हमारे बेसल सेल एडिनोमा, और एक हमारे पास है कैनालिक्यूलर एडिनोमा। इन दोनों को जो है ना हम आगे लेकर पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल फीचर दोनों ट्यूमर्स के, यानी बेसल सेल एडिनोमा और कैनालिक्यूलर एडिनोमा। बच्चों बेसल सेल एडिनोमा अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ें ना, कैनालिक्यूलर एडिनोमा, तो बेसल सेल एडिनोमा जो है ना वो हमारे पास मेजर ग्लैंड्स में ज़्यादा होता है, जिसमें भी हमारे पास पैरोटिड में सबसे ज़्यादा जो है ना ये पाया जाता है। जबकि कैनालिक्यूलर एडिनोमा हमारे पास माइनर ग्लैंड में जो है वो होता है, और उसमें भी ये अपर लिप में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पैरोटिड के अलावा ये और जगहों पर भी मिलता है और कुछ माइनर ग्लैंड्स में भी मिलता है। इसी तरह कैनालिक्यूलर जो अपर लिप में मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा ये बक्कल म्यूकोसा में भी मिलता है, लेकिन मेजर ग्लैंड्स में ये बहुत ही रेयरली मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेसल सेल एडिनोमा है आपको ये एडल्ट्स में मिलेगा, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि हमारे पास थोड़े यंग एज के जो लोग हैं ना उनमें ज़्यादा मिलता है, जबकि कैनालिक्यूलर आपको जो है ना वो ओल्डर पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलेगा। ये चूँकि हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में होगा और वहीं सुपरफिशियल लोब में होगा, तो इसकी जो स्वेलिंग है ना बच्चों उसको बहुत मुश्किल से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं किस तरह प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा से, क्योंकि ये भी हमारे पास बेनाइन ट्यूमर है, मूवेबल स्वेलिंग होगी, सॉफ्ट स्वेलिंग होगी, ठीक है। और बिल्कुल वही जब सुपरफिशियल लोब में होगा तो हमारे पास कान के नीचे एंगल ऑफ मैंडिबल में आपको ये स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। तो क्लिनिकली तो इस स्वेलिंग को हमारे पास प्लियोमॉर्फिक से जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। हत्ता कि आपकी बुक में एक बात ये लिखी हुई कि ये वाली स्वेलिंग जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा फर्म होती है हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा से, लेकिन आप सिर्फ इस बेसिस पे इसको मोनोमॉर्फिक एडिनोमा नहीं कह सकते। इसलिए इस ट्यूमर की हिस्टोपैथोलॉजी जो है करना वो बहुत ज़्यादा लाजमी है, सही है। ये वाला जो ट्यूमर है आपको अपर लिप में ज़्यादा मिलेगा, अपर लिप में चूँकि मिलता है, ठीक है, और हमारे पास ओरल म्यूकोसा में जहाँ माइनर ग्लैंड वगैरह होते हैं, अब अकल म्यूकोसा वहाँ पर मिलेगा, और ये भी एक इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर होगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऊपर से आपको नॉर्मली स्वेलिंग नज़र आ रही होगी, मूवेबल। हाँ, कभी कभार ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं इसमें ब्लूइश टेंच अपीयरेंस जो है वो नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्लिनिकल फीचर बेसल सेल एडिनोमा और कैनालिक्यूलर एडिनोमा में। अब हम इनकी नेक्स्ट वीडियो में हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ते हैं।